अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ताड़ा दोस्त साद सुलेमान। तुसी देख रहे हो जनाब यूट्यूब चैनल कबूतर जिंद जान पाकिस्तान। सारे दोस्तों लाइक करो, सबसक्राइब करो ते अगे दोस्तों नाल शेयर करो। तो मैं इस टाइम मौजूद हाँ जी पिंडी च। मेरा दोस्त है, दोस्त की भाई है छोटा, चौरी याद चक्री रोड से, ठीक है जी। उन्होंने कोल मौजूद हाँ, कुछ उन्होंने साढ़े ना गिले शिकवे सन, वह भी असी दूर किए। तो वैसे भी साडा उन्होंने कबूतरबाजी तो हट के भी उन्होंने बड़ा प्यार मुहब्बत है, तलुकात ने, ठीक है जी। तो उस्ताद यूसुफ साहब न एक थोड़ा जी परेशानी हुई सी साड़ी वजह तो, अज असी उन्हूं क्लीयर करन आए हैं। क्योंकि देखो एक बंदे का एक समझो अच्छे उस्ताद का ही ना लाया तो उन्होंने ना तो बड़ा ना गुस्सा जो चढ़ गया। हालांकि ना जड़ा ना ना तो सानू दुनिया कहती है कि यार साडा खाली ना ले लिया करो, ठीक है। तो यकीन करो पैसे देने भी तैयार होंगे ने। तो उन्होंने जे अही फ्री च ना लाया से अपने चैनल से, तो उन्होंने उदा बेटे बेटे ज़्यादा परेशानी हुई, उन्हें मैं कई फोन किए, ठीक है। वो फिर कई गल् उन्हें कीतिया मेरे ना, कोई उल्टिया सीधिया इधर उधर दियाँ, लेकिन मैं उन्होंने गलों पर गौर नहीं किया, ठीक है। तो वह फिर मेरे भाई छोटे ने चौरी याद ने बुलाया मैं, लेकिन फिर मैं आना पाया कुछ दिनों के बाद। तो यार बहुत अफसोस होंदा है, एक एडा वड्डा उस्ताद, एडा वड्डा कबूतर परवर, वो इंज दियां गल्लां या इंज दियां हरकतां करे, तो असी तो फिर स्टूडेंट असी फिर की करांगे, ठीक है। या होर कोई छोटा स्टूडेंट कबूतर परवर की करेगा। तो यार ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए, वड्डे उस्तादां नूं चाहिए अपने शागिर्दां नूं बिल्कुल नाल ना नाल चंबोड़ के रखन, बन के रखन अपने नाल, कोई ऐसी गल ना करन, कोई ऐसी अपने मूँह चो, क्योंकि जड़ी गल है ना, गल कहिंदी तू मूँह कढ मैनू तो मैं तैनू पिंडों कढ़ा, ठीक है। तो इहो जिहियां गल्लां नहीं होनी चाहीदियां कि अज दो शागिर्द दो टुर गए, कल दो होर टुर गए, तो फिर बंदा कल्ले दा कल्ला ही रह जांदा। तो इंज नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहांगा, मेरी तो सारे उस्तादां नूं ये राय आ कि यार इहो जिहा कम ना करो जिदों तों दुनिया दूर होने शुरू होए, तो शिगिर तो ताड़े दूर होने शुरू हो जाए, ताड़े अच्छे दोस्त जेडे औखे सौखे वेले काम आते हैं वो दूर होने शुरू हो जाए, इंज का काम नहीं करना चाहिए यार। तो यार बड़ा अफसोस होया सानू, और मैनू उन्होंने नाल कहा जी ये कि हूँ कह यार मैनू अच्छा ही नहीं लगता, मैं कोई लफ्ज़ बोला इंज का कि मैनू कहें यार अपनी दाल रोटी के चक्कर च ना ये इंज करते हैं एंकर लोग। तो यार अल्लाह माफ़ करे कि दाल रोटी या ताड़े को कभी असी आके खाली चाह भी पीती है, तो फिर बंदा दसे कि यार साढ़े को आए सन, साढ़े को कबूतर लै गए लालच ना या कोई ऐसी गल की, सानू तो यहोजे लालच है ही नहीं, ठीक है ना। तो बाकी याद भाई अल आने बाबे जुल्फी के बारे च भी ना काफ़ी गल्ला कीतियां ने, उन्हें को भी अज पुछने बाबा जी तू उन्हें दावत दी सी, ठीक है। तो बाकी गल्लां चलो चलने हैं, तो गल्लां फिर भी उही होणगियां कबूतरबाजी ते ही, ठीक है ना, कबूतर परवरिश ते ही, कोई दिलदारी वाली गल ना ही होए तो चंगी गल है, ठीक है जी। साहब जनाब अपने दिल का हाल हवाल दसो, जो भी तुसी अपना देखो बड़िया सारिया तुहानू चोटा ही लगियां ने, मैं कहांगा चलो जी जिगर होए तो चोटा लगदियां रहिंदियां बोलो जी। सब तो पहले तो तमाम सुनने वाले दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उस तो बाद सुलेमान साहब तुहाडा मेरे कल तशरीफ लियाना बड़ी मेहरबानी, तुहाडी बहुत शुक्रिया। वाकई सच है कि यार ये मोतबर चैनल है, और मोतबर चैनल भी इस वजह तो है कि बंदा भी मोतबर होना चाहिए, बंदे नूं जीदार होना चाहिए, चैनल परिंदे दुनिया के मामलात ये सारे चलते ही रहेंगे। दूसरे नंबर पर मैं बाबा जुल्फकार उर्फ जुल्फी साहब का शुक्र गुजार हाँ कि इन्होंने मेरी कॉल ते लबैक किया, तो मेरी दावत इन्होंने कबूल की थी है, और अल्लाह जानता नहीं कि मेरे इस तू बाद दूसरी दफ़ा आए, बिल्कुल दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा भी बड़े खलूस के नाल प्यार नाल गलबात इन्होंने मेरे नाल की है, फिर दूसरी दफ़ा भी आ गए, फिर इन्होंने भी हकीकत तो सारी इन्हों की अख के सामने सी, तो उसके मुतलक मैं हूँ जो चार गल्लां मेरे मुँह च आन गई मैं वो कह जावांगा। अगर किसी उस्ताद नूं मेरी ये गल कोई बुरी लगे तो मैं तो सच कहना, तो सच तो हमेशा ही बुरा लगता बंदा नूं जिस टाइम ही कोई कहे, तो
ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਜ਼ਰਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਢਾਬਿਆਂ ਟੋਪਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ 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 ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਖੈਰ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵਿਕਾਸ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜੀ, ਹਕੀਕੀ ਕਜ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਫਰੈਸ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤਲਕ ਬਣਿਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਾਜੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 93 ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਸੁਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਬੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਵੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਬਾਤ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਕੋ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੋ 93 ਸੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਤਾ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇ, ਫੈਂਸੀ ਦੇਖਾ, ਵੋ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਵੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਵਾਜ਼ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਇਨਸੇ, ਤੋ ਅਕਸਰ ਹਮ ਇਕੱਠੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਨਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਭਾਈ ਚਲਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਹਮ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਪੁੱਲ ਪਰ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਘੁੰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮੇਰੀ ਉਨਸੇ ਵੀ ਥੀ, ਅਯੂਬ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਉਸਤਾਦ ਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੀ ਉਨਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਯਾ ਮੁਝੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਆ ਥਾ ਜੀ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੁਆ। ਤੋ ਵੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਮ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਨਕਾ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਗਏ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਤੋ ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਤੋ ਯਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੇ ਹਮੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਕੀ ਬਾਤ ਪੇ ਲਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੇ ਵੋ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੀਏ, ਹਮ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਪੀਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਹਮ ਜਬ ਨਿਕਲੇ ਵਹਾਂ ਸੇ, ਤੋ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਰਾਜਾ ਵੇਹੀਦ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੋ ਇਹ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਆ ਗਏ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਬ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਸੇ ਕਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਬ ਲੀਏ ਤੁਮਨੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਮ ਰੱਖ ਲੋ, ਮੁਝੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਸਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਸ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਬ ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਆ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮੁਹੱਬਤੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਬਾਂਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਨਮੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਗੇ ਤੁਮੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਵੋ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਬਾਤੇਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਨਸੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਥੀ ਮੈਂ ਵੋ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੁਮੇ ਗਿਫਟ ਹੋਗੇ, ਤੋ ਵੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਬ ਜੋ ਬਾਤ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਮੁਝੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਨਕੇ ਬਕੌਲ ਉਨਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੈਸੇ ਆਏ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਕਬੂਤਰ
पहले सब से ये बात है कि आना जाना मेरा लगा रहता था, वो माशाल्लाह कहते हैं कि मैंने चौधरी अयाज को आज दिन तक मुफ्त कबूतर दिए हैं, कोई टका पैसा नहीं लिया। तो सवाल जवाब तो बनते हैं बहुत से, लेकिन चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि उस्ताद जी वो टके तो थे ही नहीं ना, टके तो बंदा दड़बी पे जाके कहता है कि 200 ले लो 300 ले लो, वो तो आपकी मुंह मांगी हुई कीमतों पे मैं कबूतर उठा के आपसे लाता रहा हूँ। क्या आप इस बात का हलफ दे सकते हैं मुझे? मुझे आप भी कहें, हलफ मैं देता नहीं हूँ क्योंकि झूठ बोलने वाले बहुत ज्यादा हलफ देते फिरते हैं। हलफ एक ही लें, अथेंटिक बंदे आए, ईमान वाले, जिनको ये पता हो कि दुनियादारी के असूल और कानून कायदे क्या हैं और ईमान और हलफ क्या चीज़ होती है। ये कबूतर परवरी या ये घर गाड़ियाँ कोठियाँ, इनको सल्यूट करने वालों की कदर कोई नहीं करता। दो टाइम, चार साल, दो साल लोग साथ चलते हैं, उसके बाद बंदे देख लेते हैं कबूतर किस तरह उनके मेरे पास आए। हमारी वो वालदा भी थी जी, खाला भी थी, उस्ताद अयूब साहब की जो एहलिया थी, बीवी थी इनकी, वो फोत हुई हैं। उनके फोत होने के कुछ दिनों बाद, महीने सवा महीने के बाद, उस्ताद अयूब साहब ने मुझे कॉल की कि अयाज मुझे वो मालिक मकान कह रहे हैं कि घर खाली कर दो। तो मैंने कहा चलें ठीक है उस्ताद जी, फिर देख लें कोई घर खाली कर दें, तो अगर वो कह रहे हैं तो। वो नहीं यार चौधरी, ये कबूतरों का मसला बड़ा है मेरे लिए, तो तू इस तरह कर कबूतर उठा के ले जाना अपने घर। तो मैंने कहा जी उस्ताद जी, इतने ज़्यादा कबूतर आपके, मेरे पास जगह भी नहीं है, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। खैर कुछ दिन गुजरते गए, तीसरी चौथी दफ़ा उस्ताद अयूब साहब ने मुझे कहा कि अयाज तुझे मैंने कहा है कि यार ये कबूतर उठा के ले जा, और तलक के दायरे में रह के बड़े मोहब्बत से और शिकवा भरे अंदाज में, वो यार चौधरी तुझे परवाह ही नहीं है, तो मुझे वो औरत आके रोज़ जलील करती है। ये अल्फाज थे अयूब साहब आपके, मैं आंखें खोल के अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहा हूँ और मैदानों वाला बंदा हूँ, मुझे मीडिया पे बैठ के ये बातें करने का शौक नहीं है। इसीलिए शायद मैं पहली वीडियो में भी सामने नहीं आया था कि मुझे जो मेरे अल्लाह ने नाम देना था वो मुझे दे दिया मेरे अल्लाह ने नाम। जमाने से पूछें, लोगों से पूछें, अयूब साहब मैं आपकी बुराई क्या करूंगा या मैं आपकी अच्छाई क्या करूंगा। लोग जो हैं वो बड़े समझदार हैं, आजकल के लोग समझ जाते हैं सारी बात को, लेकिन उन्होंने धौंस दे के मुझे, ये वो मोहब्बत थी कि यार तू अपने घर मस्त पड़ा हुआ है, मेरे जो इधर औरत जलील करती है आके। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी अब ये आलम शगिर्द नहीं था, कहता मैं उनको उस्ताद ही था। तो मैंने कहा उस्ताद जी आप दूसरी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, आप वो जलील नहीं करेगी, मैं आपके कबूतर उठा लूँगा, लेकिन आपने मुझे वादा दिया था कि तीन महीने बाद, तीन महीने चार महीने चौधरी मेरे तू कबूतर रख ले, मैं तुझे दाना पहुँचा दिया करूँगा। ये अल्फाज आपके थे। बाकी एक बात मैंने पहले वाजिया कर दी है कि पूरी वीडियो में जिस दोस्त को समझ ना आए वो ज़ाती तौर पर मुझे कॉल करके मुझसे हलफ ले ले और मुझे हलफ दे के वाकई मैं भी इस काबिल हूँ कि किसी से हलफ ले सकूँ। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ हर लिहाज से। तो मैंने अगले दिन, कोई ये जाल वगैरह नहीं बने हुए थे उस वक्त मेरे सुलमान साहब, ना ही ऊपर जाल बने हुए थे ना ही ये नीचे बने हुए थे, मेरे पास फैंसी भी हैं जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे शो किए हैं, जो दोस्त मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हमारे पास लियाकत बाग चौक के साथ परिंदों की बर्ड मार्केट है, बहुत बड़ी, कॉलेज रोड हम उसको कहते हैं, बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जानता है, मैंने सारे शो किए हैं क्योंकि अल्लाह पाक का करम के बाद मेरे बाप का मुझ पर बहुत करम था, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा जिसकी वजह से आज मैं ये सारा कुछ लिए फिरता हूँ। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है। किसी को मुझसे अगर असद है तो वो रख ले असद अपना, मेरा तो आर भी आज भी कारसाज अल्लाह ही है। बात की तरफ आते हैं कि कबूतर उठाए और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोडर गाड़ी में मैं उठा के लेके आया हूँ, ज़रा सलमान साहब वो भी लोगों को बताएं। ये नहीं है कि मैं गाड़ी की शो करवाने जा रहा हूँ, आपकी गाड़ी भी इधर साथ ही खड़ी है। इस लोडर गाड़ी में मैं बात जारी रखता हूँ, ठीक है? इस लोडर गाड़ी में मैं रात 1:15 बजे तक उस्ताद अयूब साहब के कबूतर घर ला के छोड़ता रहा हूँ, ठीक है जी? कबूतर छोड़े उन्होंने 3 महीने 4 महीने के वादे पर, उसके बाद ना तो किसी ने दाना भेजा, ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी डिमांड की या कभी मांगा। उसके बाद वो महीने सालों में तब्दील हो गए। मैं 6-5 महीने के बाद मैंने कहना शुरू किया, मैंने कहा उस्ताद साहब
अपने कबूतर उठाएं, मेरा घर कोई ये पोल्ट्री फार्म तो नहीं है। बात मुख्तसर है कि फिर उस्ताद साहब की कोई तबीयत नासाज हो गई, दिल का कोई हार्ट अटैक हुआ इनको या दौरा पड़ा, कुछ भी हुआ तो पता चला कि उस्ताद जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं। दुआएं भी की, जो जाके बंदा यादत कर सकता है और जो मामलात इंसान के होते हैं वो अपने अपने नसीब की बात है, किसी को अल्लाह मौका देता है क्या, किसी को नहीं देता। लेकिन चलें, इनकी सेहत ठीक हो गई, हॉस्पिटल से आप घर चले गए। घर जाने के बाद आप मुझे अलव दे के उस्ताद साहब कह रही है, मैं अलव का बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि सच तो फिर ऐसे पता चलेगा ना कि ईमान की बात हो, दुनिया तो इधर ही रह जानी है, आगे तो जाना है क्या, जवानों ने क्या बूढ़ों ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बात का हलफ देने के लिए तैयार हूँ। जिसको शक है, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मुझसे अथेंटिक बात करे आके और मुझसे हलफ ले और मुझे हलफ दे। तो एक ही बात रहती थी इनके मुंह पे, चौधरी हालात नहीं ठीक, चौधरी सेहत नहीं ठीक, चौधरी हालात नहीं ठीक, सेहत नहीं ठीक। और मैंने कहा एक दफ़ा, मैंने कहा उस्ताद जी मुझे इस तरह ना कहा करें कि वो तू इतना तू कर ले, ऐसे कर ले, तू फलां कर ले, ये चीज़ें आपसे वादा था। और फिर मैंने इतने कबूतरों का करना क्या है जी, कोई मेरे पास अपना टाइम जितना होता है मैंने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं, मैं अपना शौक उड़ा के, मैं किसी के साथ मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है ना, मैं इन्हीं मामलात से कोई डरता घबराता हूँ। मैं मुर्गबाजी करता रहा हूँ ज़माना जानता है, घोड़बाजी करता रहा हूँ ज़माना जानता है, मैंने फाइटर डॉग रखे हैं, बुली डॉग लड़ाता रहा हूँ ज़माना जानता है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई इधर क्या समझते हैं कि कोई परदेश से आया हुआ हूँ। तो बात यह है कि उन्होंने एक ही ये बहाना रखा और मुझे शर्म आती थी कि यार एक बुज़ुर्ग आदमी है, एज का लिहाज तो होता है ना, तो यार एक बुज़ुर्ग आदमी है, ठीक है यार अगर इनकी सेहत नहीं है ठीक, लेकिन मैं कहता रहा लेकिन इनके कानों पे जूं तक ना रेंगी। एक दफ़ा मैंने इनको कहा कि जी उस्ताद जी मेरे इस दफ़ा हालात ठीक नहीं है, तो कबूतरों के दाने पानी का कोई बंदोबस्त आपने इस दफ़ा इस महीने में करना है। तो वो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये इन्होंने किसी बंदे से दिलवाए थे, ये राजा वहीद भाई गवाह हैं इस बात के, ठीक है कि इनसे मैंने वो 5,000 रुपये वसूल किए हैं दाने पानी के, जो कि आपको पता ही है कि 400 कबूतर वो दाना पानी 5,000 मेरे ख्याल में मेरे अकाउंट में भी पड़े होंगे। बहरहाल चले, तो वो बच गए थे, कबूतरों से खाने नहीं हुए थे। तो उसके बाद मुझे किसी बंदे ने कोई जिक्र तक ना किया कि यार इतनी मेहनत करता है, इतने सफाइयां करता है कबूतरों की, इतना ख्याल रखता है। वो साल का तकरीबन 1.25 साल का अरसा जो है वो बीमारी के बहाने में गुजर गया। उसके बाद कबूतरों में वायरस पड़ गया, कबूतरों में वायरस पड़ा। तो मैंने उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी कबूतर बीमार हो गए हैं और कबूतर अब बीमारी इस हद तक पड़ चुकी है कि दो तीन पर डे मरना शुरू हो गए हैं। तो चलो यार चौधरी देख ले, मेरी अब सेहत ठीक नहीं है। तो फिर वही बात कि मैं भागा दौड़ा, जहाँ तक मुझे समझ थी मैंने उनकी मेडिसिन भी ली, कितने में ली अब मुझे कौन सा किसी ने निकाल के दे देने हैं, या मैं किसी से मांग रहा हूँ या मैं किसी से फरियाद कर रहा हूँ। इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने जो बातें मेरी खिलाफ की हैं वो साबित करके मुझे दिखाएं, दुनिया को छोड़ दें, आखिरत में तो बड़ी बड़ा बहुत अलग है। नहीं जी बाबा जुल्फी साहब, आप मेरे मोहतरम में वो जो कबूतर मार रहे थे, कबूतर जो मार रहे थे आप तस्वीरें भेजते थे सर जी, वो तो तस्वीरें अल्हम्दुलिल्लाह सच मुंह उनके मुंह से बाहर आ गया है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त उस्ताद साहब आपकी 40-50 साल की मेहनत कहाँ थी। 1.25 महीना मैं इनके आगे इनको तस्वीरें भी भेजता रहा, साथ में बताता भी रहा कि उस्ताद जी जो मुझे पता था परिंदों के बारे में, वो पंजाब पोल्ट्री वाले हैं ये हमारे मरी रोड पे, तो वहाँ से क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों के बारे में पहले भी जानता था, मैंने बड़े शौक किए हैं परिंदों के बारे में, मुर्गे हैं मेरे पास, बहुत से परिंदे रखे मैंने। तो मैंने कहा उन्होंने भी आप मुझे उस्ताद जी जवाब दे दिया है कि इन कबूतरों के बारे में हमारे पास कोई और मेडिसिन ऐसी नहीं है, आप बेशक महंगे से महंगी मेडिसिन यूज़ करें लेकिन वो उनको कंट्रोल नहीं होना। तो मैंने शाम को आपको ये बात बताई तो उस्ताद साहब मुझे आगे से ये जवाब देते हैं, तमाम असातिज़ा इकराम से मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि उस्ताद का हक बनता है शागिर्द को ये बात कहना। वो चौधरी फिर मैं आप क्या करूँ, उन्हें मरने देने, मरने दे, जो मरेंगे मर जाएंगे, जिन्होंने बचना हुआ बच जाएंगे। तो मैंने कहा फिर उस्ताद जी आपका काम था ना मुझे पहले दिन बता देते, ये 1.25 महीना मैंने जो है अपना क्यों ज़ाया किया, इन पर पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, घर ला के दिया भी दवाई, उनके साथ सारा कुछ किया भी,
उन्हें नहीं कोई मसला नहीं है, छोड़ दे कुदरत अल्लाह की। उठाने के टाइम आया, मैंने कहा उस्ताद जी आप ले जाएं, अगर आपके हालात ठीक नहीं है, आप दाना अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास जगह नहीं है, तो आप इस तरह करें 40-50 कबूतर मेरे पास अपनी अमानत छोड़ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मानते रहेंगे, मैं अल्लाह को हाजर नाजर जान के कहता हूँ, इसीलिए बार बार हलफ पे चला जाता हूँ, हालांकि मैं कुछ झूठ नहीं बोलता। नारा लग रहे, मादियाँ लग रही, आपकी उस वक्त 50 साल की मेहनत कहाँ पे थी? आपने इनकी खबर तक ना ली। जिस दिन मेरे घर छोड़े, उस दिन के बाद आप हलफ दे के कहें कि आप कभी एक बार भी अपने कबूतर देखने के लिए मेरे घर में आए? कितनी बार आपको दावत दी कि उस्ताद जी आए, नाले गपशप हो जाएगी और साथ में बैठेंगे, कबूतर देखें आप। ओ यार मेरी सेहत नहीं ठीक, मैं फिर चुप हो जाता कि चलें यार, एक बंदे की सेहत नहीं है ठीक तो उसको फोर्स करने का क्या फ़ायदा। खुदा का करना ऐसा हुआ, ये गवाह हैं और तो नहीं, इलाका सारा ये गवाह है हज़ारों के हिसाब से। मेरे साथ थे मेरे मामू थे, ठीक है, लेकिन वो मेरे बाप जैसे मामू थे, मेरे साथ वो रहे। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो बीमार हो गए। वो बीमार हुए तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा उस्ताद जी अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो मर्द मरीज़ हो तो उसको फिर मर्द ही संभाल सकता है, दूसरा फिर दोस्तों यारों का, उनके दोस्त यार भी हैं मेरे भी हैं, तो आना जाना लगा रहता है, तो कबूतरों को टाइम देना मेरे लिए मुश्किल है। आप थोड़ा सा आप मेहरबानी करें, कोई थोड़ी सी इस पर तवज्जो करें, अपने कबूतर उठाएं ताकि मैं थोड़ा सा आसानी में आ जाऊं। हाँ ठीक है यार, उठा लेते हैं कबूतर। तो मैंने कहा फिर उठाएं कबूतर, तो साथ मेहरबानी करें आएं, मुझे कोई 8-10 जोड़े लगा के दे जाएं। पर इतना टाइम मैंने कमोपेश जी, वो महीने जो है वो 2.5 से 3 साल के दरमियान वो 3 महीने चले गए थे जी, इतने बड़े महीने हो गए थे, पता नहीं वो किस नज़रिए से चल रहे थे। तो उस्ताद साहब ने कहा कि ठीक है यार चौधरी, मैं हम कबूतर चुक लवाँगा तो तैनू मैं फिर पैसे बाद भेज देंगा। मैंने कहा जी आप अपने कबूतर उठाएं, मेरे हालात देखें कि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता, और आएँ कुछ जगह बन जाएगी। मेरा भी शौक़ है अपना दिल खुश करने के लिए, मैं रखता हूँ, ये आसमान मेरे अल्लाह का है, ज़मीन मेरे अल्लाह ने मुझे दी हुई है, घर मुझे मेरे अल्लाह ने दिया हुआ है, तो मुझे 8-10 जोड़े लगा के दे जाएं तो मेरा शौक चलता रहेगा। तो तमाम असातज़ा इकराम और दोस्त अहबाब इस बात पे तवज्जो करें कि मुझे उस्ताद अयूब साहब ये कहते हैं, उस्ताद अयूब राजपूत साहब ये कहते हैं कि चौधरी कबूतर मुल ले आवांगे, उड़ाने के लिए कबूतर मुल ले आवांगे। तो मैंने आगे से ये जवाब दिया कि यार जब कीमत से ख़रीद के लाने हैं उड़ाने के लिए, तो फिर इनको रखने का क्या फ़ायदा? और नहीं नहीं, इनमें मादियाँ ले के आएंगे, डालेंगे तो फिर जो है आगे उड़ाएंगे। तो मैंने कहा उस्ताद जी फिर इस तरह करते हैं कि मैं खुद ही 10-15 जोड़े लगा लेता हूँ, चले अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे। और वादा किया कि उस्ताद जी इनके 2-2 बच्चे लेके, तो जैसे जैसे ये कबूतर फ्री होते रहेंगे तो मैं आपकी तरफ आपकी अमानतें लौटाता रहूँगा। ओ चौधरी कोई बात ही नहीं है, तू 20 से 25 जोड़े लगा ले। मैंने कहा उस्ताद जी मैंने इतने कबूतरों का क्या करना है, लेकिन किस्सा मुख्तसर कि मैंने इनकी इजाज़त से, और इस बात पे मैं हलफ देता हूँ तमाम सुनने और दोस्तों को कि मैंने उनकी इजाज़त के बाद, बाबा जुल्फी साहब बिल्कुल सही है, मैंने उनकी इजाज़त के बाद कुछ कबूतर निकाले, अभी जोड़े मैंने नहीं सारे लगाए, कुछ कबूतर निकाले 6-8 दिनों तक, 10 दिनों तक। आपको कबूतर उठाने की बड़ी जल्दी पड़ गई, आप आए, कुछ मैंने जोड़े में कबूतर नीचे यूज़ किए लगाए, आप आए, आपके दोनों आपने बेटे भेजे, वो आए लोड और सुजुकी एक ले के बाहर आए, वहाँ पे चाय पानी हमने बैठा बैठे चाय पानी पिया, कबूतर उन्होंने उठाए ले गए। और ये ख़ास करके ये जो उस्ताद अयूब साहब का बेटा है, जिसको उस्ताद अयूब साहब कहते हैं कि चौधरी अयाज भी इसको पीर मान ले और उस्ताद मान ले, ज़रा काबिले गौर बात है। वो ये उम्र से मुझ में छोटा है, इसकी हैसियत क्या है वो मेरे सामने बैठ के बात करे? ये आया है इसने, वो साथ ही जाल में पड़े हुए, उसकी भी वीडियो आपने 2-4 मिनट की बना के लगानी है, जो मेरा वो छत पे जाल बना हुआ है साइड पे पड़े हुए थे। तो इसने मुझसे सवाल किया कि अयाज भाई ये कबूतर, मैंने कहा ये कबूतर अपने ही है ना यार, ये उनमें से मैंने अलग किए हैं जोड़े लगाने के लिए, पहले तो मेरे पास जगह ही नहीं थी, चले बच्चे शचे हो जाएंगे मेरा भी शौक चल जाएगा। इसने कॉल की अयूब साहब को, अपने वालिद मोहतरम को, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि अयाज ये कबूतर दे दे।
मैंने कहा उस्ताद जी ये वही कबूतर है ना जो आपकी इजाजत से मैंने ये कुछ दिन पहले आपसे इजाजत लेके निकाले हैं। तो नहीं नहीं है कबूतर तू दे दे मैं इधर जोड़े सेट करूंगा। तो यार सुनने वाले तमाम दोस्तों से मेरा ये एक सवाल भी है और एक जवाब भी है कि अगर 3 साल यहाँ पे कबूतर कमो पेश अरसा रहे, क्रॉस में जोड़े नहीं लग सके, मुझे कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, तो क्या उन कबूतरों का वहां जाके तो जोड़ों में सेट हो के रहना ही आपके घर में बनता था, वैसे नहीं बनता था? लेकिन आपने कहा कि अयाज कबूतर दे दे, मैंने वो आपको कबूतर दे दिए और आपको कहा कि मैंने कहा उस्ताद जी इनमें से कुछ जोड़ों में मैंने लगाए हैं कबूतर और कुछ कबूतर जो सामने पड़े हैं आपने कहा कि दे दो तो ले जाए चले, कबूतर दे दिए मैंने वो भी डाल के आपको, यहां तक कि मेरे घर में जो फैंसी फिर रहे थे जी वो भी जनाब उठा के ले गए हैं, ठीक हो गया, लेकिन मैंने तो किसी को जिक्र तक नहीं किया। क्या मैं डरता हूँ किसी से? किसी में इतनी जरूरत है तो मेरे सामने आके बैठे, मुझे मीडिया पे बैठ के बातें करते हुए शर्म महसूस हो रही है, और मैं मैदान लगाने वाला बंदा हूँ को मैं मीडिया पे बैठ के बातें करने वाला बंदा हूँ? उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता तक छोड़ दिया जी, ना बेटों की मुझे कभी कॉल आई हाल पूछने के लिए, हालांकि इनको पता था कि इसका मामू जो है वो इसका बाप की तरह इसके साथ इसका प्यार है, किसी ने नहीं मुझे पूछा, तो मुझे फिक्र भी नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है। लेकिन चले ये आपका जर्फ था, 1 घंटा 9 मिनट की तुमने मुझे कॉल की वीडियो बनाने से 2-3 दिन पहले, तो सारी बातें तूने मुझसे डिस्कस की हैं। असूली तौर पे तो तू मेरे लेवल का आदमी ही नहीं है, उस्ताद अयूब साहब की जबान कैंची की तरह चली है मीडिया पे वीडियो पे, तो क्या आपने जनाबे वाला मुझे कॉल की है, मुझसे कॉल करके कबूतरों का मुतालबा किया है या कोई और ऐसा मुतालबा मुझसे किया है? लेकिन फिर भी कहा सारे मामला हमारे आपस में तय हो गए कि अयाज भाई फिर तो हमारा मसला ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार मुझे 2-4 शिकवे शिकायत हैं मेरे उस्ताद से, लेकिन वो मैं उन्हीं से डिस्कस करूंगा। नहीं नहीं आप मेरे भाई हैं मुझे बताएं, मैंने आपको बताया कि यार ये बात है, देखो इसमें मेरा कोई कसूर है? नहीं नहीं भाई अयाज भाई ये बात तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों तक इसके मुतालिक बैठ जाते हैं, या आप हमारी तरफ आ जाएं या हम आपकी तरफ आ जाते हैं। और साहबजादा साहब फरमा रहे थे कि अबू जी की सेहत ठीक नहीं है तो इस वजह से वो नहीं आ सके। कितना टाइम उनकी सेहत ठीक नहीं रही जी? 4-5 महीने का टाइम गुजर गया इस बीमारी के दौरान, मामू की बीमारी के दौरान कबूतर उठा के ले के जाने के दौरान। फिर इमानतों पर आ जाते हैं जी, शॉर्ट बात करता हूँ, मुझे शौक नहीं है इतनी लंबी बात करने का, लेकिन हो गई है, मेरे दिल को ठेस पहुँची है, वरना मैं अमल में तो एक लम्हा मैं फैसला कर लेता हूँ बड़े से बड़ी तकलीफ का, लेकिन बातों से मुझसे जवाब नहीं देने होते। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से मेरे मुतलिक सारे सच बोले हैं वीडियो में। उसी को ज़रा समझने वाले लोग और मेरे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जो मुझे डांट डांट के कह रहे थे कि अगर तू वीडियो नहीं चढ़ाएगा तो हम जवाब दे देते हैं यार, और मैंने कहा यार मैं ज़िंदा हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई है, ज़बान दी हुई है, मैं खुद जवाब दूँगा। तो इन्होंने वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक वो मुझे शेर याद आ रहा है कि पंजाबी का शेर है कि झूठ वजावे छणकला ते सच वजावे ढोल, उसने ओयो कुछ देना जो कुछ जिस दे कोल। उन्होंने मुझे जो दिया उनके पास ही होगा, यही तो उन्होंने मुझे दे दिया है, जबकि बात छुपाने की, अगर मैंने छुपाने हैं तो आप हलफ दे के कहें कि कब आप मेरे घर में आए थे शौक करने के लिए, जो मैंने आपको कबूतर और दिखा के कह दिया कि बाकी सारे मर गए हैं जी, आप आए हैं ज़रा मेरे घर मुझे बताएं, मुझे कॉल करके कहा है कि यार हम आना चाह रहे हैं तुम्हारी तरफ या वीडियो पे हमें शौक करवाओ, आपने रब्ता ही छोड़ दिया है। वो रब्ता इस वजह से छोड़ दिया है कि उस्ताद जी आप ये कबूतर उस्ताद आप अब मेरे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप आज़ाद हूँ, मेरी मोहब्बत करने वाले लोगों को मेरा ये पैगाम है कि उसी तरह आप लोग मुझसे मोहब्बत में रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने तो अपने उस्ताद साहब के बात मान के कि नहीं नहीं सारे लोग की कबूतर बाज टिड्डू पलीत होंगे, यार ये को कहने वाली बातें हैं, वो लंबी लंबी स्टोरियां आप नहीं चलेंगी जी, वो अदब क्या लिबादा ओढ़ के मैं बैठ जाता था तो आप मुझे कहते थे कि ये हो गया वो हो गया, मैं मान लेता था, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। कबूतर मैंने अगर छुपाने होते तो सलमान साहब मैंने आपके चैनल पर ज़रा आप बाबा जी बुजुर्ग आदमी हैं, मैंने आपसे जब आपने ये शौक मेरे घर में शुरू किया कबूतर देखने शुरू किए, वो छोटा भाई है सात कजन था मेरे, तो हमने आपसे क्या कहा था कि ये कबूतर मैं कहीं से खरीद के लाया हूँ? नहीं नहीं
मैंने आपने क्या कहा? आपने कहा कि उस्ताद के कबूतर हैं ये सारे कबूतर, उस्ताद के नाम लगाए कबूतर उस्ताद। मैंने तो आपकी इज्जत रखी कि यार आप बीमार हैं, आपके दिल में ये बात ना चली जाए कि यार मैं बीमार हूँ शायद, तो इस वजह से चौधरी दूसरे बंदो, ये को मुखालिफ आदमी था हमारा और दवा भी तो करवाई है सर। देखें वो तो बात देखने सुनने वालों ने, वो उन्हीं की आईडी पे कमेंट्स आए हुए हैं, वो लोग जरा पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को समझ आ जाएगी। बात करने का मकसद ये था कि दुख इस चीज का है कि आप मुझे पर्सनली कॉल करते, मीडिया पे क्यों आए? मैं इतने दिन तो खामोश रहा हूँ इसी वजह से कि यार देखता हूँ कि आपके कितने बंदे हैं जो आपका बेटा कह रहा है कि मुझे बंदे बड़े काले करते हैं जी, मुझे वो कितने काले हैं और कितनी वीडियो आपके चेहरे देख के लोग टूट पड़े हैं उस पर। तो यार कोई बंदा टाइम अच्छा गुजरा हो उसके ही लिहाज कर लेता है, अपनी इज्जत का ही लिहाज कर लेता है, वही आपका ही सारा कुछ है। कल कोई बंदा कहे कि ये चौधरी ने हमारी गाड़ियाँ छुपाई हुई हैं, ये घर हमारे छुपाए हुए हैं, यार कोई बंदा बात करने वाली बात करता है। और आपको अगर जलन है इस चीज की तो आप मुझे पर्सनली फोन करके कहते कि जो कबूतर तेरे पास थे वो हमें दे दे। किस दिन मैंने आपको इनकार किया है कि मेरे पास आपके कोई कबूतर नहीं है, या आपने मुझसे कबूतर मांगे हैं? पीड़ा और से फकियां और तुहानू पीड़ पेट च और है, और वह पीड़ भी मैं थोड़ी दूर कर देना हूं कि यार तुसी छे कबूतर वेखे ना, तीन जोड़े वीडियो में देखे हैं, उन तीन जोड़ों में से अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह तीन मेरे अपने जाती कबूतर हैं, घर के हैं, खरीद के लाया हूं, उनमें 52 नंबर भी है। अब आप पे ये फर्ज बनता है, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूं उस्ताद अय्यूब साहब, आप पे ये फर्ज बनता है कि आप उसमें गए हलफ दे के बताएं कि बाकी वो जो तीन पीस हैं वो आपके कौन कौन से हैं। मुझे जब भी कहेंगे जहां कहेंगे मैं तैयार हूं। अच्छा आपने इस्तीफा भी दे दिया? इस्तीफा तो सरकार ये वीडियो देखने के बाद इस्तीफा नहीं बनता था तो और क्या बनता था कि यार एक बंदा खुद मुझसे बात ही ना करे, वो इतना बड़ा तर्जमान है तेरे पास, अल्लाह माफ करे मैं अब बात नहीं कहना चाहता, मैं मीडिया पे हूँ, ये मेरे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं उनको भी ये बात समझ आएगी और वो सुन रहे हैं, और शायद मैं वीडियो देने के लिए बैठा हूँ वीडियो में तो उनके लिए नहीं, उनको हम बड़ी अच्छी, इन जैसे लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते आए हैं हमारे अबाऊ अजदाद वाले लोग भी, मेरे बड़े, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे मिलने मोहब्बत करने वाले, वो मैं जवाब देने के लिए मीडिया पे बैठा हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये आप तमाम लोगों के लिए और उन साहब के लिए भी पैगाम है कि जिन दोस्तों ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि तू अगर जवाब नहीं देगा तो हम जवाब दे लेंगे, वो मेरे शहजादे हो आप ही, तो मेरा कुल कायनात में सरमाया हो, मेरी ताकत हो, जो मेरे यार हो, जो मेरे मुझ पे जान निशावर करते हो, अपना माल दौलत मेरे एक इशारे पे निशावर करते हो, ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं ये जवाब दे रहा हूँ। लेकिन माजरत साहब से कि यार फिर बंदा जब हकीकत बयान करता है तो फिर वो सच तो उगल देता है ना, जैसे वहाँ से उगला गया सच के तस्वीरें भी भेजता रहा है, वो जब तस्वीरें भेजता रहा हूँ, आपने मुझे जो खेल पानी बताया था वो मॉडर्न और मोटी वाल वाला, तो उन कंपनीज में अगर आपकी कोई शेयरिंग है या आपके साहबजादे की है तो मैं वो भी हलफ दे देता हूँ इधर ही, लेकिन असूली तौर पे तो बात ये बनती है कि कोई भी साजा इकराम है, काबिले एहतराम है, मेरा किसी कबूतर परवर हजरात से कोई मसला नहीं है, कोई वैर झगड़ा नहीं है और ना ही किसी से कोई डर खौफ है, ये बात भी है। तो तरीका कार होता है बाबा जी, बादाम साहब के घरों के बाग नहीं है, बादाम सारे उस्ताद हजरात देते हैं, तो तरीकाकार अपना अपना होता है। आपने वो जो मुझे खेल पानी दिया था ना, मैं वो माजरत के साथ आपको लौटा रहा हूँ, आज के बाद हलफ खा के कहता हूँ कि वो आपके बताए हुए तरीके से इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं उसमें आपने को बाजियों में वो इस्तेमाल किया है? सर जी बाजियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी अपनी वीडियो आप देख लें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब को भी ये बात पता थी कि यार ये अपने आपको बाजी है, फिर आपने उड़ाई है कोई बाजी? सर जी नहीं उड़ाई, तो कौन फिर कहता वो तो कह रहे थे कि मैं खेल पानी बाजी, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ किया है कि उन्होंने तो नियत भी मेरी पहचान ली है। अच्छा ये बताएं कि आपने 3 साल कबूतर रखे हैं? जी जी। वो 3 साल में कबूतरों का दाना कम अज कम 1000 रुपया पड़ता है? जी बिल्कुल। ये 12-13 हाँ एक एक दिन का 1000 रुपया पड़ता है ये? जी बिल्कुल। अगर वो कहें आपको कि जी वो एक तो आपके वो लड़के के उसके लड़के की शादी हुई उस पर भी उन्होंने काफी रकम ली आपसे, जी बिल्कुल, उसमें से आपने कहा कि वो 10 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने बिल्कुल।